तो हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप आप होंगे फर्स्ट क्लास। आज का इस वीडियो में एडिटिंग करने वाला हूँ डीजे सॉन्ग पर। आप लोगों को अगर एडिटिंग सीखना चाहता है तो मेरा वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में थ्री स्टेप पर एडिटिंग करने वाला हूँ। पहला जो स्टेप है, आप लोग बीट मार्क और शेक इफेक्ट आप लोगों को इनपुट करना होगा। सेकेंड जो स्टेप है, फोटो ऐड करना होगा बीट मार्क पर। थर्ड जो स्टेप है, आप लोगों को शेक इफेक्ट ऐड करना होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ छोटा सा इंट्रो को बाद। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप लोगों को जो शेक इफेक्ट और जो बीट मार्क दोनों इनपुट को इनपुट करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पहला स्टेप करना क्या है, आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को एंड तक। तो प्लस आइकन में फर्स्ट आप लोग क्लिक कर लीजिए, देन मीडिया पर जाइए। देन फ्रेंड्स, आप लोग इधर गैलरी ओपन हो जाएगा। जिस भी फोल्डर में आप लोग को खुद का पिक्चर है, आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप लोग, मैंने कुछ मॉडल का इमेज इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस वाला मॉडल के पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। थ्री डॉट में गया, देन मैंने इसको फिल कॉम्प्रेसर एरिया इसमें क्लिक कर दिया। देन इस तीर वाला आइकन में क्लिक कर लिया। जो बुक मार्क है मेरा, जो आप लोग देख पा रहे हैं रेड अंडरलाइन, उसको बुक मार्क बोलता है, उसमें आ जाएगा। उसमें क्लिक करने के बाद देन आप लोग को पिक्चर का जो बढ़ती का हिस्सा है इस वाला आइकन में आप लोग क्लिक करके आप लोग काट दीजिए। इसी तरह करके फ्रेंड्स, आप लोग को एंड तक जितना भी इधर बुक मार्क है पिक्चर को ऐड कर लीजिए। ये ऐड करने में थोड़ा आप लोग को टाइम लगेगा। अगर आप लोग इसको अच्छा सा टाइम देकर ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को एडिटिंग एट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। देन फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने एक एक करके मेरा जितना भी इधर बुक मार्क है पिक्चर को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला स्टेप है इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए चलिए इफेक्ट में जाता हूँ। गाइज, इफेक्ट पर आगे आने के बाद इधर आप लोग को चारों इफेक्ट मिलेगा। तो चारों इफेक्ट अलग अलग इफेक्ट है। तो सबसे पहला वाला जो इफेक्ट है इसको ऊपर क्लिक किया, इफेक्ट पर गया, थ्री डॉट में गया, देन इसको मैंने कॉपी इफेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना जो बीट मार्क है मेरे प्रोजेक्ट पर आ गया। आने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला जो एक बड़ा पिक्चर है उसको आप लोग को छोड़ देना है। देन आप लोग को जो चारों छोटा छोटा पिक्चर आ रहा है इसको ऊपर आप लोग को एक चारों पिक्चर को आप लोग को इस इफेक्ट में ऐड करना होगा। तो इफेक्ट में ऐड करने के लिए आप लोग इफेक्ट पर जाना होगा, थ्री डॉट में जाना होगा, देन पेस्ट इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इसको बैक कर लीजिए। देन आप लोग इधर चारों पिक्चर ऐड कर लीजिए। देन आप लोग को मिडिल पर जो एक पिक्चर बड़ा पिक्चर आ रहा है उसको आप लोग छोड़ देना है। देन आप लोग को नेक्स्ट जो चारों पिक्चर है इस एक नंबर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। इसी तरह करके फ्रेंड्स, आप लोग को कितना दूर ये जो प्रोसेस है आप लोग को ऐड करना होगा पिक्चर को, मेरा वीडियो को आप लोग देखते रहे, आप लोग को समझ में आ जाएगा कौन सा पिक्चर में आप लोग को कौन सा इफेक्ट ऐड करना होगा। तो सबसे पहला वाला जो इफेक्ट है इतना दूर तक आप लोग को फर्स्ट ऐड कर लीजिए, जैसे कि 30.06 सेकंड तक आप लोग को ऐड कर लीजिए। देन आप लोग को आगे की तरफ आ जाइए और आप लोग को एंड में आप लोग को आ जाना, जैसे कि मैंने आप लोग को देखा दे रहा हूँ कहाँ से आप लोग को फिर से एक नंबर इफेक्ट को ऐड करना होगा, मैंने आप लोग को देखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग फिर से इधर आ जाइए एंड पर, देन आप लोग को यहीं से आप लोग को ऐड करना होगा जो एक नंबर इफेक्ट को। ये जो छोटा छोटा पिक्चर आ रहा है 27.03 सेकंड से, जो छोटा छोटा पिक्चर है एंड तक आप लोग को जितना भी छोटा छोटा पिक्चर है आप लोगों को बीच में जो बड़ा वाला पिक्चर है उसको आप लोग को छोड़ देना, देन एक नंबर इफेक्ट को आप लोग यूज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट इफेक्ट है उसको इफेक्ट में जाता है, इफेक्ट पर आ गया। सेकंड जो इफेक्ट उसको ऊपर क्लिक किया, इफेक्ट पर गया, थ्री डॉट में गया, देन मैंने इसको कॉपी इफेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको बैक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहीं से आप लोग को स्टार्ट करना होगा, 50.33 सेकंड से आप लोग को स्टार्ट करना हो। कितना दो नंबर इफेक्ट को आप लोगों को ऐड करना होगा आप लोग मेरा वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो ऐड करने के लिए एक यहीं से आप लोग को एक पिक्चर, पहला वाला जो पिक्चर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इफेक्ट पर गया, थ्री डॉट में गया, देन इसको पेस्ट इफेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बैक कर लेता हूँ। देन आप लोग को इसी तरह करके फ्रेंड्स, आप लोग को बीच में जो बड़ा वाला पिक्चर आ रहा है उसको आप लोग छोड़ देना, देन आप लोग को इतना दूर कर लीजिए, जैसे कि 20.36 सेकंड तक आप लोग को दो नंबर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैंने फिर से इफेक्ट पर जाता हूँ। देन फ्रेंड्स, मैंने फिर से इफेक्ट पर आ गया। जो तीन नंबर इफेक्ट है उसको ऊपर मैंने क्लिक किया, इफेक्ट पर गया, थ्री डॉट में गया, देन इसको भी कॉपी इफेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको बैक कर लिया। तो फ्रेंड्स, फिर से तीन नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए आप लोग को 21.26 सेकंड से स्टार्ट करना होगा। कितना दूर ये तीन नंबर इफेक्ट को आप लोग को ऐड करना होगा आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इतना दूर तक आप लोग को इस तीन नंबर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। 26.35 सेकंड तक आप लोग को तीन नंबर इफेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। ये तीन नंबर आप लोग इफेक्ट को ऐड करने के लिए आप लोगों को कैसे आप लोग ऐड करना होगा, तो मैंने आप लोग को एक दिखा दे रहा हूँ। इस वाला पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया, इफेक्ट पर गया, थ्री डॉट में गया, देन इसको मैंने पेस्ट इफेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। देन फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से इफेक्ट पर जाना होगा। चार नंबर जो इफेक्ट है उसको ऊपर मैंने क्लिक किया, देन इफेक्ट पर गया, थ्री डॉट में गया, देन इसको मैंने कॉपी इफेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको बैक कर लेता हूँ।
देन फ्रेंड्स आप लोगों को 4 नंबर इफेक्ट कहाँ कहाँ ऐड करना होगा, तो आप लोग मेरा वीडियो के एंड तक देखते रहिए। जो पहला वाला आप लोग बड़ा वाला पिक्चर एक छोड़ा था उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए, इफेक्ट पर जाइए, थ्री डॉट में जाइए, देन इसको पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यह इधर आप लोग को आगे की तरफ आ जाइए, देन आप लोग को इधर भी एक बड़ा पिक्चर छोड़ा था इसके ऊपर ऐड कर लीजिए, देन आप लोग को एक यहीं से आप लोग को और बड़ा पिक्चर छोड़ा था, जो 4 पिक्चर छोटा छोटा, देन आप लोग को एक बड़ा पिक्चर उसको ऐड कर लीजिए। जहाँ जहाँ आप लोग को बड़ा पिक्चर मिलेगा इस 4 नंबर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए एंड तक, आज जो छोटा छोटा जो पिक्चर आप लोग छोड़ा था कि वो पिक्चर में 4 नंबर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। देन फ्रेंड्स मैंने फिर से बैक हो जाता हूँ, एक पिक्चर में आप लोग को बिलिंग वाला इफेक्ट ऐड करना होगा, जैसे कि 30.55 सेकंड जो पिक्चर है उसको ऊपर आप लोग को बिलिंग वाला इफेक्ट ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आप लोग पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लीजिए, इफेक्ट पर जाइए, ऐड इफेक्ट पर जाइए, देन आप लोग को ओपासिटी विजिबिलिटी इसको ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए, बिलिंग पर जाइए, देन फिर प्लस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, देन आप लोग इसमें बिलिंग वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा, देन आप लोग को फिर इसको बैक कर लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह नेक्स्ट टाइम आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा, और कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम इफेक्ट ऐड करने में हो रहा है तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम ID सुपोर्टिक टेक इसमें SMS कर सकता है, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो आप लोग जाके SMS कर सकता है। तो आज का टॉपिक मैंने यहीं से ख़त्म कर लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।